नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। अग्रोहा में दादा पृथ्वीराज कुश्ती दंगल का आयोजन करवाया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर अमरचंद जाखड़ ने शिरकत की और डीएसपी पद पर तैनात वे कुश्ती में देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली पहली महिला पहलवान गीतिका जाखड़ ने भी बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस आयोजन में विभिन्न भार वर्ग में मुकाबले करवाए गए, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को नकद इनाम राशि से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। सभी को अपना आशीर्वाद दें ताकि उनका हौसला बढ़े, जो कि नीले कस्टम में यानी कि जो नीले किट में है वो अग्रवा के पहलवान विशाल कुमार आयोजित किया गया है, जो कि दादा पृथ्वीराज कुश्ती दंगल के नाम से आज का यह दंगल हमारे बीच आयोजित है। यानी कि हिसार के तीनों ही डीएसपी है, गीतिका जाखड़, अखिल कुमार और जोगिंदर शर्मा आज के हमारे वो दीजिए। ये कुश्ती शुरू हो चुकी है कि जिसकी पहले कमर लग गई वो खिलाड़ी समझो बाहर, और जो ऊपर रहेगा वह विजयी अगले राउंड में प्रवेश करेगा। इसके बाद चंद्रवान और परमीत उमरा, चंद्रवान माना वाले दोनों खिलाड़ी तैयार रहे। इस 55 केजी में पहले 25 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। काफी जोर अजमाइश करते हुए पुराना के पहलवान विनय कुमार, लेकिन यहाँ भी पहलवान अग्रवा के विशाल कुमार, तो इसमें चंद्रवान और परमीत के बराबर। इनसे जो अगली कुश्ती होगी उसमें क्या नाम मैट के ऊपर कॉर्नर में रिपोर्ट करें। ये छोटा पहलवान जो आप देख रहे हैं ये अग्रवा से प्रवीण कुमार, और जो बड़ा पहलवान है इस एज ग्रुप में, इस बड़े वाले पहलवान ने प्रदीप यानी कि नरेश कलारा ने यह कुश्ती आज प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है, मिशन है कि देश खेले, देश जवान बने, देश योगा करे और देश स्वस्थ रहे। इसी भावना से ये स्टेडियम जो है, मेरी पुत्र वधु सरपंच थी और उनके प्रयत्नों से हाई कोर्ट से जीत करके स्टेडियम बनाया था। इस पर कब्जा था लोगों का, गिरदावरी थी, सब कुछ अपने प्रयत्न से स्टेडियम बनाया जिसका उद्देश्य है खेल खेलना, खेल की भावना पैदा करना। हमारे एरिया में हमारे गांव की मेरी पोती गीतिका जाखड़ ने विश्व जीता है
जूनियर में, जो आज डीएसपी के पद पर है बल्कि एसपी के पद पर। गांव में जो आप आयोजन कर रहे हैं उसे युवाओं का संदेश, गांव के अंदर ये खेल प्रतिभा कराना, कुश्ती का दंगल कराना, खेल भावना को जागृत करना, ताकि हमारे एरिया के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे हमारी पुरानी परंपराओं को निभाते हुए और खेलें, पहलवान बने, आगे निकलें और देश को आगे बढ़ाएं।